वगैरह आपका आज क्या सीन फिल्म आया जा रहा है कल्याण का? रमन और इशिता की वेडिंग एनिवर्सरी है तो उनको हम सरप्राइज दे रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर हनीमून स्वीट बुक कराया है। तो रमन और इशिता की मतलब किस तरह से एंट्री होगी इस दौरान? ये आप लोग एपिसोड में देखिएगा। मैं अपने हर इंटरव्यू में और हर बाइट में ये कहती हूँ कि अगर क्लाइमेक्स बता दिया जाए तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है ऑडियंस का। अच्छा, तो क्या मतलब इस वक्त मान सकते हैं कि रमन और इशिता के बीच में सब कुछ सही चल रहा है, ठीक चल रहा है? हाँ, इस वक्त ठीक चल रहा है। आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, इसमें तो यही तो इंटरेस्ट है कि अच्छा भला चलते चलते कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है बीच में। सबसे बड़ी फितना तो आपको पता है शगुन है, वो कुछ फितने जगा देती है, कभी कुछ और बातें हो जाती हैं, कभी रोमी से बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं, तो फैमिली में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो अब ये तो कह नहीं सकते कि आगे बिल्कुल, ज़ाहिर है अगर स्मूथ चलता रहा तो फिर सीरियल ख़त्म ही हो जाएगी। नए नए कुछ तो वो मोड़ लाना और सस्पेंसेस पैदा करना, कोई खलिश छोड़ देना ऑडियंस के लिए, यही चीज़ तो सीरियल को चलाती है। जाते जाते फैन से क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बहुत प्यार दिया उन लोगों ने मुझे, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। मैं लंदन में इसको हॉबी के तौर पर किया करती थी एक्टिंग को, मेरा प्रोफेशन तो टीचिंग था। लेकिन जब इकता जी ने मुझे एक शॉर्ट फिल्म में देखा, तो मेरे बेटे ने भी बनाई थी वीडियो, उसमें देखा इकता जी ने मुझे, तो मुझे लंदन से मुंबई बुलाया ख़ास इस सीरियल के लिए। तो मुझे उस वक्त इतना ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ऑडियंस से, लेकिन यहाँ के ऑडियंस ने जिस तरीके से हाथों हाथ लिया, जितना मुझे इनक्रेजमेंट मिला, जितना मुझे प्यार मिला, मैं हैरान हूँ और बहुत खुश हूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, और मैं यही कहना चाहूँगी कि कीप वॉचिंग स्टार प्लस एंड कीप वॉचिंग ये है मोहब्बतें।